सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज भाई आपका भाई लेकर के आ चुका है, जो कि भाई क्या करने वाले हैं भाई, 1 लीटर का मैलेज टेस्ट, जो कि देखने वाले हैं कि 1 लीटर में भाई कितनी दूर जाती है ये गाड़ी। आप देख सकते हैं भाई, R15 है, R15M नहीं है भाई, R15 है। इसका करने वाले हैं भाई 1 लीटर का मैलेज टेस्ट, कि देखेंगे कि 1 लीटर में कितनी दूर जाती है ये गाड़ी। सबसे पहले बात कि दिखा सकता हूँ भाई, बिल्कुल नई गाड़ी है। टोटल भाई आपको दिखा देते हैं ट्रिप पे, टोटल भाई देख सकते हैं भाई 893 किलोमीटर मात्र चली हुई है गाड़ी। सबसे पहला टैक्स ये है भाई इस गाड़ी में, कि भाई इसमें थोड़ा बहुत भाई है तेल, जो कि भाई ख़त्म करना है। ख़त्म करने के लिए भाई थोड़ा सा चलाना पड़ेगा हम लोगों को, तो देखते हैं भाई कितना दूर तक निकल चुके हैं मैलेज टेस्ट करने के लिए। सबसे पहला बात ये बात है कि भाई इस गाड़ी को भी थोड़ा बहुत तेल है, इसको करना है ख़त्म। और आप लोग के लिए कोशिश करेंगे भाई पूरा पूरी एकदम बेसिक वाइज गाड़ी चलाना है, एकदम कोई ज़्यादा ओवर स्पीडिंग नहीं करना, जैसे भाई मैलेज टेस्ट होता है वैसे ये करेंगे। ऑलमोस्ट भाई 3 बजने वाली है। तेल निकालने में भाई इस गाड़ी से भाई 3-4 घूट तेल पी लिया हमें, यार क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। पूरा मुँह पूरा भाई पेट्रोल पेट्रोल जैसा लग रहा है। तो देखते हैं, आप देख सकते हैं भाई एक अभिनंदन है मेरे साथ में जो कि जा रहा है, और वहाँ पे करण है और वहाँ पे शक्ति है। गाड़ी में बिल्कुल भी तेल नहीं है, ख़त्म हो रहा है तेल, ये देखो स्टार्ट नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी गाड़ी स्टार्ट नहीं ले रही है। देखो भाई थोड़ा सा भी गाड़ी स्टार्ट नहीं ले रहा है। एक बार भाई आपको झुका के दिखा देते हैं, ठीक है, तो आपसे एक्चुअल मैलेज पता लग जाएगा गाड़ी में तेल देती है कि नहीं देती है। थोड़ा सा भी गाड़ी में तेल, थोड़ा सा भी नहीं रखना है गाड़ी में तेल भाई, पूरा एकदम एक नंबर मैलेज टेस्ट का वीडियो मिलने वाला है। देख सकते हैं नहीं ले रही है स्टार्ट, हाँ हो ही स्टार्ट। तो भाई देखते हैं एक बार और चला करके, आपको चाहते हैं भाई एक कम्प्लीट वीडियो मिले। बस बंद 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 बस। तो सो गाइस, ज़्यादा कोशिश नहीं करेंगे तेल ऐसे ऐसे डलवाने का, ठीक है। अब डालते हैं 1 लीटर तेल इसमें। देख सकते हैं पूरा गाड़ी में तेल, थोड़ा सा भी नहीं है तेल गाड़ी में, थोड़ा सा भी गाड़ी में तेल नहीं है। लगाते हैं कहीं थोड़ा साइड में। तो भाई देख सकते हैं भाई 1 लीटर तेल है इस बोतल में, और इसको डालते हैं भाई टैंकी में। तो अब मज़ा आएगा भाई गाड़ी का माइलेज टेस्ट करने में, क्योंकि भाई पता चलेगा वाकई में 1 लीटर में ये गाड़ी कितनी दूर जाती है। तो भाई अब पता चलेगा। बस भाई थोड़ा सा भी तेल रहने देंगे इसमें, ये देख सकते हो आप कि इसमें थोड़ा सा तेल लेने नहीं देंगे, तो थोड़ा सा गाड़ी से तेल बाहर निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसको पोंछ देते हैं। थोड़ा सा निकला है, दिक्कत नहीं है भाई। तो इसको अब करते हैं बंद और निकलते हैं भाई 1 लीटर का मैलेज टेस्ट करने के लिए। सबसे पहला बात भाई, कुछ चीज़ है जो भाई GoPro रिकॉर्ड नहीं कर सकती है, आपको दिखा देते हैं भाई। तो भाई आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल मेरी गाड़ी 897 किलोमीटर चला है। ये गाड़ी भाई बिल्कुल नई गाड़ी है, बिल्कुल नई गाड़ी। करते हैं ट्रिप वन को पहले जीरो, ट्रिप वन को भाई पहले जीरो कर देते हैं। देख सकते हैं आप जीरो हो गया भाई। अब करते हैं भाई मैलेज टेस्ट। तो भाई निकल चुके हैं भाई मैलेज टेस्ट करने के लिए। अब भाई पता चलेगा ये गाड़ी कितना मैलेज देती है। थोड़ा बहुत भाई सिटी भी मिलेगा, जो कि भाई कस्बा है, कस्बा मार्केट को टपेंगे। उसके बाद भाई निकलना है हाईवे पे, जो कि एक दो किलोमीटर के बाद भाई हाईवे मिल जाएगा। और हाईवे मिल जाने के बाद हाईवे पे भाई चेक होगा मैलेज टेस्ट। तो इससे भाई आपको ये एक बात पता चलेगा कि सिटी और हाईवे पे कितना मैलेज देती है ये गाड़ी। तो भाई फाइनली भाई हाईवे पहुँच चुके हैं। बस आप भाई उतना क्लच की यूज़ नहीं करेंगे, पहला बात। और दूसरा बात भाई कि ज़्यादा स्पीड ओवर स्पीडिंग नहीं करेंगे, क्योंकि भाई एक मैलेज एक्चुअल में मैलेज जो निकालती है कंपनी, जो क्लेम करती है, वो भाई इको मोड में चलाने की वजह से ही मैलेज आपको मिलेगा। ज़्यादा ओवर स्पीडिंग करने की वजह से मैलेज नहीं मिलने वाला है आपको, ये बात तो भाई आपको भी पता होगा।
तो आप देख सकते हैं कि अभी तक 2.8 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी। इसमें वाय वाय वहाँ देख सकते हैं करण भी जा रहा है मेरे साथ में। अभी नंदू भी आने वाला है पीछे। नंदू कहाँ रह गया पता नहीं। थोड़ा तो भाई कॉन्फिडेंस आ रहा है गाड़ी में क्योंकि भाई तो अभी तक में भाई देख सकते हैं आप 19.5 किलोमीटर चल चुकी है। लगभग 20 किलोमीटर के आसपास छूने वाली है गाड़ी। 30 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है आप देख सकते हैं। 30.5 चल चुकी है। तो अभी तक भाई गाड़ी में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं लगा है हमको। गाड़ी मतलब कम तेल हुए से गाड़ी छोड़ रही है, पकड़ रही है, धुकधुका रही है, पूरा स्मूथली चल रही है और पूरा स्मूथ भी इसको हम चला रहे हैं। ज़्यादा ओवर स्पीडिंग नहीं कर रहे हैं। मैं आपको तो पता ही भाई मैनेज टेस्ट हम किस तरीके से करते हैं क्योंकि भाई इससे पहले भी मैंने चेक किया हुआ है एन एच 160 का और अपाची 160 cc का और भाई टॉप स्पीड भी दोनों का बाइक का चेक किया हुआ है। आप नहीं देखें तो भाई जा कर के देखो चैनल पर। 20 किलोमीटर भाई गाड़ी पूरा पूरी चल चुकी है आप देख सकते हैं। थोड़ा सा और चलाते हैं भाई, उसके बाद यू टर्न ले लेंगे गाड़ी का। यू टर्न लेने के बाद फिर आएगा मज़ा। हम लोग से अभी अररिया में है भाई, अररिया पहुँच गए मैनेज टेस्ट करते करते। बारिश तो भाई इधर हुआ है लग रहा है। तो भाई 38 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। एकदम पूरा कहीं कुछ भी ऐसा वैसा फील नहीं होगा कि भाई गाड़ी दम तोड़ रही है। अभी तक तो पूरा नॉर्मल चल रही है गाड़ी। तो भाई देख सकते हैं आप 40 किलोमीटर चल चुकी है। हाँ भाई 40 से प्लस माइलेज हमको लगता है देगा कि नहीं देगा पता नहीं, देखते हैं भाई। हमको लगता है 45 के तो अंदर ही रहना चाहिए भाई। देख लो 44 किलोमीटर भाई गाड़ी चल गया। 44 भी टप गया भैया। 44 भी भाई टप गया। हाँ भाई 50 कहीं दे देगा तो भैया मजा आ जाएगा। लेकिन इस गाड़ी का ये जो वीडियो है भाई आपको पूरा एक्चुअल में भाई 1 लीटर इसमें डाला है भाई। 1 लीटर डाल करके कोई थोड़ा सा भी गाड़ी में टंकी नहीं रहने दिया, झुका झुका करके भाई खत्म किया है। 45 का भाई मैलेज, 45 किलोमीटर भाई चल चुका है गाड़ी। 45.3 45 का माइलेज। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप। छियालीस भी चल चुकी है भाई। अब भाई तेल खत्म तेल खत्म। ओ भाई 46 का माइलेज मजा आ गया भाई, बिल्कुल मजा आ गया भाई। एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया यार ये बाइक माइलेज के मामला में यार। स्टार्ट करके देखते हैं। हुआ स्टार्ट, देखते हैं थोड़ा सा आगे जा करके। बाइक में भाई तेल भी लेना है तो यहाँ ही तेल ले लेंगे, थोड़ा सा यू टर्न ले लेंगे आगे से। यहाँ से भाई यू टर्न ले लेते हैं। तेल खत्म भाई, तेल खत्म हो गया फाइनली भाई। तेल खत्म हो गया ऑलमोस्ट भाई। इस गाड़ी में तेल तो भाई खत्म हो गया है। सैतालीस चल चुकी है भाई गाड़ी। 47 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी। 47 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी। देखते हैं भाई थोड़ा सा भाई चलाते हैं अभी और। 47 तो चल चुकी है। घुमाते हैं थोड़ा सा क्योंकि भाई थोड़ा सा तेल, क्योंकि भाई बारिश के मौसम की वजह से थोड़ा सा इधर उधर जा नहीं सकते तो इसीलिए थोड़ा बहुत इधर ही रह रहे हैं, ज़्यादा दूर जाएंगे नहीं भाई। गाड़ी में तो तेल भाई ऑलमोस्ट ख़त्म तो हो ही गया है आई थिंक। 48 भाई, 48 भी चल गया गाड़ी भाई। 50 कहीं देने दे वाले जाकर भाई 50 मैलेज दिया तो भाई मज़ा आ जाएगा। लेकिन यार ओ भाई
50 यहाँ से भाई यू टर्न ले लेते हैं, थोड़ा सा रोक वे में है लेकिन साइड साइड में जाएंगे। 48 48 तो भाई चल चुका है गाड़ी, देखते हैं अभी कितना दूर जाता है यार। यहीं पे थोड़ा बहुत घुमाते हैं। 48.9 शायद 49 चलेगी गाड़ी, 49 तो आई थिंक चलना चाहिए गाड़ी को। गोप्रो का भाई बैटरी भी थोड़ा सा बचा हुआ है, थोड़ा सा बचा हुआ है गोप्रो का बैटरी भी। 49 का मैलेज भाई, 49 भाई चल चुका है गाड़ी पूरा पूरी 49। ओ यार तो भाई आप देख सकते हैं स्टार्ट नहीं हो रही है अब गाड़ी। 49.4 किलोमीटर गाड़ी चली है 1 लीटर में भाई। ये वीडियो भाई पूरा ओरिजिनल वीडियो है, 1 लीटर भाई इसमें डाले हैं और चेक किए इसका मैनेज, जो कि 49.4 किलोमीटर गाड़ी चल चुका है। देखिए भाई स्टार्ट नहीं हो रहा गाड़ी, आप भाई बिल्कुल स्टार्ट नहीं हो रहा है, लगभग 50 से 6 पॉइंट कम चला भाई। देख सकते हैं भाई। तो भाई ये गाड़ी भाई आपको अगर आप यामाहा कंपनी की R15 वर्जन 4 परचेस करते हैं तो आपको 1 लीटर में भाई 49.4 किलोमीटर चलेगी गाड़ी। एक इको मूड में आप 80, 84, 85 के अंदर ही चलाइएगा। तो गाइस आज की वीडियो में बस यही बताना चाहते थे कि ये गाड़ी 1 लीटर में कितनी दूर जाती है। तो थैंक यू सो मच भाई, बस मिलते हैं भाई किसी नेक्स्ट कंटेंट में। आज की वीडियो बस इतना ही रखते हैं, बाय बाय गाइस।